बिग बॉस ओटीटी 2 में होगी 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री, घर में होगा अब बड़ा धमाका। सलमान खान का शो बिग बॉस ओटीटी 2 फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आए दिन शो में नए ड्रामा देखने को मिलता रहता है, ऐसे में शो के मेकर्स ने इसे 2 हफ्ते और एक्सटेंड भी कर दिया है। पहले जहां ये शो 6 हफ्तों का था, वहीं अब इसे 8 हफ्तों का कर दिया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन सलमान खान ने वीकेंड के वार में घर वालों के साथ भी शेयर की। एक्टर ने बताया कि शो को 400 करोड़ मिनट तक देखा गया है। ये इन्फॉर्मेशन सभी घर वालों को हैरान और खुशी दोनों ही देते हुए नजर आए। इसी बीच अब शो को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में जल्द ही वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, जो बिग बॉस के घर का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। यूं तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, वहीं ट्विटर पेज बिग बॉस तक ने शेयर किया कि पुनीत सुपरस्टार फिर से शो में नजर आने वाले हैं। अपनी हरकतों की वजह से वो शो में 12 घंटे के अंदर ही शो से बाहर कर दिए गए थे। पुनीत के अलावा शो में फिर से पलक पुरस्वाने की भी एंट्री होने की बात सामने आ रही है, और इसके अलावा एक्ट्रेस पलक नाथ की बहन शफक नाथ का नाम भी सामने आ रहा है एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री के लिए। इसके अलावा टीवी की मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य का नाम भी इस शो से जुड़ रहा है। हालांकि अगर पलक की वापसी होती है तो ये देखना दिलचस्प होगा कि घर में एंट्री के बाद एक्ट्रेस क्या नया धमाका मचाएंगी। सलमान खान ने शो को बढ़ाने के अनाउंसमेंट के बाद बिग बॉस ओटीटी के ग्रैंड फिनाले की तारीख का भी अब कयास लगाया जाना शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अब इस शो का 13 अगस्त को ग्रैंड फिनाले होगा। हालांकि इन खबरों को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। वेल, अब बिग बॉस ओटीटी 2 में इन 3 कंटेस्टेंट्स की धमाकेदार वाइल्ड कार्ड एंट्री को देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।